मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार नए चेहरे नजर आएंगे। इस बार दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी नए चेहरों पर दाव खेलकर चुनावी मैदान में फतह हासिल करने की तैयारियां कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टियां इस प्रयोग पर सफल हो चुकी है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। MP विधानसभा चुनाव में हो सकता है नया प्रयोग, नए चेहरे को मौका दे सकते हैं BJP और कांग्रेस, नए चेहरे पर दाव चलकर हासिल करेंगे फतेह। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां नए प्रयोग पर हमेशा भरोसा करती हैं। संघ और BJP के प्रयोग भूमि कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा हाईकमान विधानसभा चुनाव में एक नया प्रयोग करने जा रहा है और इस प्रयोग के तहत इस बार भाजपा हर जिले में प्रत्याशी के तौर पर एक नया चेहरा उतारेगी। यह चेहरा सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा आदि किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। इसके पीछे पार्टी की मंशा है कि जिले में सामाजिक या फिर अन्य क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति को चुनाव में टिकट दिया जाए ताकि इस दिशा में काम करने वाले लोगों को महत्व मिल सके और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। भाजपा के इस प्रयोग से इस बार चुनाव में कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रयोग धर्मी राजनीति की पक्षकार है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण तीनों चीजों से मुक्त राजनीति की श्रेय यदि किसी को देश में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में जाता है। और सिर्फ ऐसे लोग जिनकी राजनेता की छवि हो, मूलता है तो समाज सेवा, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नित्य नए प्रयोग करती है और समाज के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अवसर दिए। अभी भी यदि आप सांसद के तौर पर देखें, विधायक के तौर पर देखें, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ सामाजिक भूमिका, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई सोशल वर्कर है, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, बहुत प्रतिभा के धनी लोग हैं। यदि ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित तौर पर हम जिसको कहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, तो भारतीय जनता पार्टी उस बात की पक्षधर है और प्रयास करेगी कि इस प्रकार के प्रयोग करके न केवल समाज की दिशा बदले बल्कि राजनीति की दिशा बदले। इस बार पहली सूची में ही भाजपा ने अपनी कमजोर कड़ियों पर फोकस करते हुए कई नए चेहरों पर दाव लगाया। दरअसल पांचवी बार विधानसभा चुनाव जीतने को आतुर भाजपा ने फिर से अपने किले को और मजबूत करने के लिए मुकम्मल प्लान बनाया है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि सबसे पहले भाजपा करीब 90 से 100 नए विधानसभा उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी। करीब 40% नए उम्मीदवारों को भाजपा विधानसभा चुनाव में मौका देगी। 2018 विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों में से ज्यादातर सीटों पर नए प्रत्याशियों को पार्टी टिकट देगी, जबकि जीती हुई 130 सीटों में से भी 10-15% से ज्यादा सीटों पर मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। इसके साथ ही उन नेताओं का भी टिकट काटा जाएगा जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। अब बात करें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, तो इस बार कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसने लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक में युवाओं को मौका दिया। देखिए, सिर्फ इस बार नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही बढ़ चढ़ कर युवाओं को मौका दिया है और समय आने पर युवाओं को पर्याप्त नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। आप याद करें कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार में हमारे 28 में से 16 मंत्री ऐसे थे जिनकी आयु 50 वर्ष से भी कम थी। कई मंत्रियों की आयु तो आप देखें 40 वर्ष से भी कम थी। तो कांग्रेस सदैव ये किया है। उसके अलावा आप देखें, मध्य प्रदेश की बात करूं, हमारे कई जो NSUI और जो यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नेता रहे, आप देखें उनने बाद में प्रदेश का नेतृत्व किया, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, कई उदाहरण हैं। लेकिन हाँ, आपको भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के उदाहरण देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ एक पद के बाद उस व्यक्ति की राजनीति या तो खत्म हो जाती या कोई अन्य नेता उसको निपटा देता है। भाजपा सूत्रों की माने तो जीते हुए विधायकों के साथ ही भाजपा प्रदेश के 40 से 45 जिलों में एक एक प्रत्याशी ऐसा उतारने की रणनीति पर काम कर रही है जो नया चेहरा हो। इतना ही नहीं, यह चेहरा मूल पार्टी के नेता कार्यकर्ता से इतर भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए हारी हुई सीटों में से 39 पर अपने प्रत्याशी उतार कर भाजपा चुनावी कवायद में आगे है। दूसरे दौर में भी हारी हुई सीटों पर मंथन जारी है। अब इंतजार कांग्रेस की सूची का किया जा रहा है, जिसमें देखने वाली बात होगी कि पार्टी युवाओं को किस तरह से तरजीह देती है। MP News के लिए भोपाल से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।